नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर जिले में आज हम आपको एक ऐसी गौशाला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ लावारिस गायों की जिंदगी को बदला बल्कि इलाकाई लोगों को काफी राहत दी। पूरे ब्लॉक में सैकड़ों लावारिस गाय थी जो तिल तिल कर मरने को मजबूर थी, लेकिन एक शख्स की लाजवाब कोशिशों की वजह से उन गायों को घर मिल गया। इस समय हम मौजूद हैं विकासखंड जैसिनपुर की ग्राम पंचायत पीढ़ी में, और पीढ़ी में यहाँ एक अस्थाई गो आश्रय स्थल बना हुआ है जहाँ पर गोवंशों को, जो आवारा पशु हैं जो सड़कों पर और गांव में किसान के खेतों में अक्सर नुकसान करने का काम करते हैं, उनको प्रशासन के द्वारा पकड़ के इस गो आश्रय स्थल में लाया गया है। मैं इधर से ही जा रहा था, हमने सोचा इसका थोड़ा निरीक्षण किया जाए, देखें कि अभी तक क्या व्यवस्थाएं हैं। केवल गोवंशों को छोड़ा ही जा रहा है या उनको कुछ व्यवस्थाएं भी दी जा रही हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि आप दिखाइए। ये वो जानवर हैं जो लावारिस थे, जिनके कोई वारिस नहीं थे, और ये जो है गांव में घूम रहे थे। आवारा पशु नाम दिया गया इनको, और इसके बाद जब ये ज़्यादा नुकसान करने लगे और धीरे धीरे इसकी शिकायत भी बढ़ती जा रही थी, और जिसके बाद जो है प्रशासन ने सख्ती करते हुए, हालांकि हाई कमान यानी उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस पर अमल किया गया, और जिसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा पकड़ के इनको जो है अस्थाई गो आश्रय स्थल में छोड़ने का काम किया गया। इधर भी आप देख पा रहे होंगे लगभग इनकी तादाद हमको लगता है कि दोनों तरफ मिला के कम से कम 150 होगी, नहीं तो 200 से कम नहीं है। जो कचरा है इसका कैसे, बारिश हो गई इसलिए हम ईटा नहीं भाई बिछवा पाए। अच्छा, प्रयास चल रहा है। प्रयास चल रहा है काम करने। अच्छा, इनका ठंडी में आप क्या नाम है आपका? कुलदीप मोरा, ग्राम प्रधान पीढ़ी। आप प्रधान हैं? हाँ, प्रधान। तो प्रधान जी, जिम्मेदारियां तो आपके ऊपर बहुत बड़ी। हाँ, बहुत बड़ी, लेकिन थोड़ा सा हालांकि आपका प्रयास बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ जो है लेकिन जो थोड़ा सा ठंडी का व्यवस्था है, हम लोग भी प्रयास करेंगे, भूसी की व्यवस्था करा रहे हैं। इधर भी भारी तादाद में है। कितने प्रधान जी, कितनी संख्या में यहाँ है? कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे, इधर दिखाइएगा कितनी तादाद में यहाँ जानवर है। 300 चलते हुए बात करते हैं। 300 है। तो ये बताइए प्रधान जी, इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं? हम स्वयं अपने करते हैं, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद पेमेंट आता है, स्वयं व्यवस्था करते हैं। अच्छा, आप स्वयं व्यवस्था करते हैं, क्या किसी समाज सेवी संस्थान द्वारा? इधर कोई सहयोग नहीं मिलता है। अच्छा, इनके लिए जैसे अभी तो ये भूसी मान लीजिए आई है, ये किसके प्रयास से आई है? ये बीडीओ साहब के प्रयास से। बीडीओ साहब की। अभी कल या परसों, जो मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले इसी क्षेत्र सिमरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत बाहरपुर में उन बीडीओ साहब ने और तमाम जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं लोग मिलकर और सराहनीय प्रयास करते हुए जो गोवंश थे जो आवारा घूम रहे थे उनको वहाँ से ले आकर यहाँ छोड़ा गया था। हाँ, छोड़ा गया था। कितने गोवंश लाए गए थे? 100 जानवर। 100 जानवरों को लाया गया था यहाँ। छोटे भी जानवर हैं, बड़े भी जानवर हैं, और इनके खाने की व्यवस्थाएं भी, ये सब भोजन मिल जाता है? हाँ सर, पूरा हम पूरा व्यवस्था स्वयं करते हैं, प्रधान जी स्वयं व्यवस्था करता है। तो यहाँ जो है हालांकि संतोषजनक क्या अच्छी स्थिति है, क्योंकि इतनी एक भारी जिम्मेदारी है प्रधान जी, काफ़ी समय देना पड़ता होगा आपको। 3 बार ही समय देते हैं। कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 4। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सर। सुनील कुमार जी, आप क्या करते हैं? हम यहाँ पशुओं की देखभाल करते हैं। अच्छा, कोर भूसा। अच्छा, पानी वगैरह। कैसा महसूस होता है गौ सेवा कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है सर, बहुत अच्छा लगता है जी। आप दिव्यांग भी हैं जी, इसके बावजूद आप इतना सेवा कर रहे हैं जी सर, ये देखिए सराहनीय है, सराहनीय है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, इनके हौसले को सलाम है, ये सेवा कर रहे हैं यहाँ जो है, गायों की देखभाल करते हैं, और इनका जो कार्य है वाकई में कई जन्मों का पुण्य कमा रहे हैं जी सर। खुश हैं आप जी? आप प्रधान हैं? हाँ। काफी कम उम्र के लगते हैं। हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 15 जून 1998। यानी आप
22-23 साल की उम्र में आप पूरे ग्राम पंचायत की व्यवस्थाओं को सुधारने का जिम्मा उठा लिया और जनता ने आपको चुन भी लिया, क्या कारण हो सकता है? जनता की सोच थी कुलदीप ने विकास होगा ग्राम सभा की, इसलिए जनता ने हमको प्रधान बनाया। कितने वोटों से आप विजयी हुए थे? 250 वोटों से। प्रधान जी, अभी मैं आपके गांव में गो आश्रय स्थल है, मैं उसका भी निरीक्षण किया और मैंने देखा कि काबिले तारीफ व्यवस्थाएं थी वहां पर। हाँ ठीक। और प्रधान जी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखकर युवा प्रेरित भी होते होंगे, क्या कभी कोई फीडबैक मिलता है आपको? मिलता है थोड़ा मोड़ा। आप कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप जो है इतनी कम उम्र में राजनीति में आ गए, लोग इस उम्र में पढ़ने लिखने के बारे में सोच? हमारी सोच थी, जनता की सोच थी कि आप राजनीति करें, राजनीति करें, जनता का उद्धार करें। आप किसको आइडियल मानते हैं आप राजनीति के क्षेत्र में? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको आदर्श मानते हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को आप उनको देखकर जो है राजनीति में चले आए, हालांकि राजनीति में उतरने से आपके कार्य भी बहुत सफल नजर आ रहे हैं, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। ये थे प्रधान ग्राम पंचायत पीढ़ी के, इनकी उम्र मात्र 22 से 23 साल है और इतनी कम उम्र में इन्होंने जो चीज़ें अपने ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी को उठाते हुए की है वो चीज़ें दिख सकती हैं, कोई भी व्यक्ति आके देख सकता है। मैंने भी देखा, आप भी देखिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं और विकासखंड जैसिनपुर के लिए एक मिसाल बनेंगे। इनका जो कार्य अभी मुझे दिख रहा है, जो तारीफ के काबिल हो उसे तारीफ किया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी देखिए, आप भी इनके कार्यों को देखिए और कार्यों को देखने के बाद, हालांकि मीडिया का अक्सर काम होता है कि जाकर नेगेटिव चीज़ों को ही देखती है, लेकिन मैं भी खोज रहा था कि कुछ मिले लेकिन मुझे भाई नहीं मिली। और जिस तरीके से इतनी भारी तादाद में जो पशु बंधे हुए हैं और उनको जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। प्रधान जी, हम थे विकासखंड जयसिंहपुर के ग्राम पंचायत पीढ़ी में और प्रधान जी से हमारी मुलाकात हुई। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ आलोक दुबे, न्यूज़ 10 मिशन सुल्तानपुर। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ 10 नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।